आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज दीक्षित द्वारा टोरंट पावर कर्मचारी से टोरंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन न करने की एवज में लाखों रुपए की मांग का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल का माहौल है। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज दीक्षित द्वारा टोरंट पावर कर्मचारियों से टोरंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन न करने के एवज में लाखों रुपए की मांग का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल का माहौल है। इस मामले की सत्यता जांचने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 3 सदस्यीय दल होटल पीएल पैलेस में कांग्रेसियों से मिला। कमेटी में मुख्य निर्णायक की भूमिका अदा कर रहे मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने बताया कि कमेटी इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। 3 दिन बाद कमेटी अपना निर्णय पार्टी हाईकमान के सामने भेज देगी। 3 व्यक्तियों की जांच समिति हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाई है, जिसमें हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी श्री विवेक बंसल साहब, जो कि MLC और MLA अलीगढ़ से रहे हैं, वो हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता अनिल चौधरी साहब हैं, ये किसान कांग्रेस के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सादाबाद के पूर्व विधायक हैं। और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं मथुरा वृंदावन से 4 टर्म विधायक रहा हूँ और CLP लीडर यूपी असेंबली रहा हूँ। इन तीन लोगों की कमेटी बनाई गई है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, कि जो इस जांच को जानने के लिए आई है। हम सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिले हैं, हमने उनकी राय जानी है। अभी कुछ लोग शेष बचे हैं और जो कमेटी का निर्णय होगा वो हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और माननीय प्रियंका गांधी जी को अवगत कराएंगे, और जो भी निर्णय होगा वो निर्णय हाईकमांड लेगी कि उसमें क्या किया जाए। प्रदीप माथुर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बन रही है। आगरा में पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। इस मामले में भाजपा का हाथ है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ पार्टी हाईकमान दंडात्मक कार्यवाही करेगी। नहीं, ये तो जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ इस तरह ये चलता रहता है कार्यक्रम, परंतु मैं इस बात को मान सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर कांड से, जो मैं समझता हूँ कि ये BJP की शह पे किया गया है, दूसरी पार्टी के लोग इसमें ज़्यादा आनंद ले रहे हैं और पार्टी को बदनाम करने की साजिश दूसरी पार्टियां कर रही हैं। हमारी जिला अध्यक्ष ने काफ़ी मेहनत करी है और कांग्रेस को उठाने का काम किया है, और उनको काम से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये षड्यंत्र कराया। देखिए, खंजर नहीं भोंका गया, हमने कहा ना ये षड्यंत्र किया गया है विपक्ष द्वारा, और हमारी अध्यक्षों को फंसाने की बात की गई है। कांग्रेस मुस्तैद है आगरा में, मुस्तैदी से काम करेगी और फिर से मुख्य धारा में आ जाएगी। ये क्षणिक क्षण है जिसमें कि हम इस तरह की बात कर रहे हैं। जांच का कोई औचित्य नहीं है। अभी हमारे दोनों साथी बैठे हुए हैं, अभी आप सब लोगों से मिलने के बाद हम लोग अपनी टोरेंट पावर से जिला अध्यक्ष द्वारा रंगदारी मांगने के मामले की जांच में शामिल MLC विवेक वंसल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ती है। मनोज दीक्षित मामले में जो पार्टी के जो भी लोग शामिल होंगे, कांग्रेस उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी। देखिए, वो अगर व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को कह दूं कि मैं प्रियंका जी को दूंगा और ये दूंगा, तो उसके लिए हमारी नेता तो वो तो नहीं जिम्मेदार है ना। वो तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। ये तो मैं दोषी हूँ ना, वो तो नहीं है ना दोषी। तो आप प्रदेश अध्यक्ष, देखिए, कीचड़ वहीं तक रखिए जहाँ तक उछली है। इसको आप और लोगों को संलिप्त करने का प्रयास ना करें। और पार्टी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है, और यही कारण है कि आप कहिए जो भी कि हम लोग वरिष्ठ हैं या जो भी है, पार्टी ने तुरंत हम लोगों को भेजा कि आप जाइए, उसकी व्यक्तिगत रूप से आप लोग जानकारी लीजिए और जो उचित है वो हमें सलाह मशवरा दीजिए। वहाँ से भी बैठ के कुछ निर्णय ले सकते थे, पर कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुननी थी। कार्यकर्ता इस पे क्या सोच रहा है, उसकी क्या राय है, संगठन में ये विघटन किस कारण है, स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, ये सब चीज़ों पर हम लोगों को पहुँचना है ना। जब तक आप मूल बीमारी का आप कारण नहीं देखेंगे, तब तक वो बीमारी कैसे दूर होगी। जैसा पहले बोले थे, वो NCERT का जो BJP का जो पकड़ा गया है ना बड़ा नेता, वो मेरठ में NCERT की फर्जी छपाई है, उसकी पेशबंदी के लिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को इसमें फंसाया गया है।
और लेकिन ये भाजपा इस चीज़ से मुतमईन रहे, कांग्रेस लगातार बढ़ रही है और जन सरोकारों पर लेकर इस एक मुद्दे को लेके वो हमें टारगेट नहीं कर पाएंगे। जन सरोकारों को लेके कांग्रेस जन एकजुट है और दोबारा हम बहुत बड़ा आंदोलन जो है सारे जन सरोकारों को लेके खड़ा करेंगे। होटल पीएल पैलेस में इस गंभीर प्रकरण की जांच करने आई टीम के सदस्यों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन होटल पहुंचे। इस दौरान होटल के अंदर जाने को लेकर होटल सुरक्षा गार्ड्स के साथ कांग्रेसियों की झड़प हो गई। इस दौरान थाना हरिपर्वत SHO भारी पुलिस फोर्स के साथ होटल के बाहर मौजूद रहे। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।